नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। जो न्यूज है कि IRCTC जो है 12 जुलाई तक का ट्रेन कैंसिल होने वाला है, तो ऐसे में क्या होगा उसके शेयर प्राइस का, क्या होगा स्टॉक में मूवमेंट, स्टॉक में गिरावट आएगी या स्टॉक में तेजी आएगी, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज है, जिसे देख करके आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। दोस्तों IRCTC में जो न्यूज है कि इसका जो ट्रेन है वो कैंसिल कर दिया गया 12 अगस्त तक के लिए। जो जनरल ट्रेन था और जो स्पेशल ट्रेन है वो चलती रहेगी। तो IRCTC जो है आज 2% का गिरावट इसमें देखा गया। जब ये ओपन हुआ था तो 5% की गिरावट थी इसमें, लेकिन ये बंद हुआ 2% के गिरावट के साथ, और जब खुला था तो ये 5% के गैप अप के साथ खुला था, समझ सकते हैं। जबकि मार्केट हमारा आज क्या था, अब बाढ़ था। तो आज बढ़ते हुए मार्केट में IRCTC में काफी गिरावट थी। उसके बाद दूसरा, ट्रेन्स हैज कैंसल्ड ऑल रेगुलर ट्रेन्स टिल 12 अगस्त 2020। रेलवे जो है सारी ट्रेन को 12 अगस्त तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है। बट स्पेशल ट्रेन एज राजधानी मेल एक्सप्रेस, जो भी मेल और एक्सप्रेस है विल कंटिन्यू, मतलब जो भी मेल एक्सप्रेस है राजधानी है ये सब चलता रहेगा। जो स्पेशल ट्रेन COVID-19 के लिए चला गया है, सिर्फ वही COVID-19 वाली ट्रेन आपको चलेंगे। और जो रेगुलर आप टाइम टेबल जो ट्रेन का था, जो कि आप IRCTC से बुक करते थे, अलग अलग साइट से बुक करते थे, अलग अलग जगह से बुक करते थे, वो ट्रेन अब नहीं चलेगी, वो ट्रेन बंद हो चुकी है। तो अब यहां पर देखते हैं टिकट जो बुक किए हैं, तब जो भी लोग बुक किए थे 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच, वो कैंसिल हो जाएगा और रिफंड जो है आपको दे दिया जाएगा। और उम्मीद जताई जा रही है कि IRCTC का जो प्रॉफिट है उसमें बहुत ही कम फॉल आएगा, इसीलिए शेयर का प्राइस अभी तक टिका हुआ है। तो चलिए हम चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं शेयर प्राइस के बारे में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों 1.94%, मतलब 2% के अप्रोक्स आज इसमें गिरावट आई 27 पॉइंट का, और आज क्लोज हुआ है 1385 रुपीज के प्राइस पर हमारा IRCTC का जो स्टॉक है। और ओपन हुआ था यहां पर देख सकते हैं 1349 तक, और लो बनाया 1340 तक। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, मतलब ओपन होने के बाद इसमें रिकवरी आई और देख सकते हैं अपने इस प्राइस रेंज पे ये बना रह गया। तो इसमें आप देखेंगे तो एक महीने में लगातार ये 1400 के लेवल पे बना हुआ था, आज ये जो 1400 का लेवल है उसको ब्रेक कर दिया, मतलब उस लेवल को तोड़ दिया। अब आप आगे का इसमें जो है, जो भी आपका इसमें आगे का सिनेरियो है उसको आप देखते चलेंगे। अगर इसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा आती है, मतलब 1000 के आसपास आती है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो ये न्यूज बेस्ड है। अभी IRCTC का जो लिस्टिंग है वो बिल्कुल नया है, क्योंकि ये 2019 के अक्टूबर महीने में ही लिस्ट हुआ है। और अभी भी देख सकते हैं कि यहां से ये 77% अप है, अभी भी जिस प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था वहां से 77% अप है अभी भी IRCTC। तो इतना बेहतरीन स्टॉक्स है क्योंकि इसका बिजनेस जो है मोनोपोली वाला है, लेकिन जो COVID-19 है इसके सिचुएशन के कारण लगातार जो है मार्च से लॉकडाउन लगा है, अप्रैल मई जून 3 महीने से लगातार लॉकडाउन है, अब जुलाई 4th महीना। तो इस तरह से Q1 के रिजल्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन Q2 पे भी अब इम्पैक्ट हो गया। तो समझ सकते हैं दो क्वार्टर के रिजल्ट जिसके इफेक्टेड हो उस स्टॉक्स में कितनी गिरावट आ सकती है। तो ये स्टॉक्स आपको काफ़ी गिरावट पर आगे चल करके मिल सकती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि IRCTC में अगर गिरावट पर आपको स्टॉक्स मिलता है तो आप इसे ज़रूर बाय करें, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, लेकिन आपका जो लेवल होना चाहिए 1000 के नीचे होना चाहिए, क्योंकि इसमें गिरावट आगे आ सकती है। अगर आप इसे इस प्राइस पर खरीदते हैं तो आपके लिए हो सकता है ये पैनिक क्रिएट कर दे। तो ये आपका इच्छा है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि इसका 2 क्वार्टर का रिजल्ट प्रभावित हुआ। आगे भी हमारा ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है कितने दिन ठीक होने में होगा, नॉर्मल सिचुएशन आने में कितना टाइम लगेगा, ये कोई भी निश्चित अभी नहीं है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जब करेक्शन आता है तब आप इसमें इन्वेस्ट करें, अभी इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करने से बचें। बाकी बात आपका रुपया है, आपको डिसीजन खुद लेना है कि आपको किस प्राइस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा जो वीडियो होता है वो एजुकेशनल पर्पस से होता है, आपको एजुकेट करना। इसमें हम आपको अगर RSI दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, अभी कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि जो न्यूज़ बेस्ड है वो क्वार्टर 4 के रिजल्ट पे आधारित है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट अगर
बहुत ही अच्छा आता है, आउटस्टैंडिंग आता है, तो इसमें जो प्राइस है इसका वो बना रह सकता है अभी 1400 के आसपास का लेवल। अगर क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी काफ़ी खराब आता है, मतलब उसमें प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आती है, तो ये शेयर आपको पूरी तरह से बर्बाद होता दिख सकता है। तो इसलिए आप सारी चीज़ें देख करके आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा कि ये डिसीजन लेने में कि IRCTC में आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा हो कि अभी IRCTC में आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।